और यहाँ से रेलवे स्टेशन से आपको अप्रॉक्स 45 किलोमीटर का डिस्टेंस पर। गुड मॉर्निंग। और हम पनीर की सब्जी है और इसमें कुछ शिमला मिर्च। जैकेट वैकेट पहन लो, सर्दी स्टार्ट हो गई। सर्दी स्टार्ट हो गई, अब यहाँ से ठंड बढ़ती जाएगी। रेलवे ट्रैक किनारे चारों तरफ बेर के पेड़ आपको दिख जाएंगे। अच्छा, अभी बेर पक चुके हैं। एक बज के 35 मिनट पे टाइम था बलहर्षा का। ये ट्रेन यहाँ पे आई है 20 मिनट डिले से। अगर आप टाइगर सफारी के शौकीन हैं तो आप यहाँ बलहर्षा उतर सकते हैं। यहाँ से बॉक्स 30 किलोमीटर की दूरी पे है तडोबा अंधारी नेशनल पार्क, जहाँ पे आपको बहुत सारे टाइगर, बहुत सारे जंगली जानवर, सबसे ख़तरनाक जंगली कुत्ता जी वाइल्ड डॉग भी देखने को मिल जाएगा यहाँ के नेशनल पार्क में। तडोबा अंधारी नेशनल पार्क, ये आपको पड़ता है महाराष्ट्र के चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट में। आप चाहे तो चंद्रपूर उतर के भी जा सकते हैं या बलहर्षा से भी। और यहाँ से रेलवे स्टेशन से आपको अप्रॉक्स 45 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, बाय रोड आप निकल सकते हैं। बाकी जहाँ तक अब वहाँ का, अगर मैं हल्का फुल्का वो रेट का जानकारी दे दूँ, अगर आप जीप से सफारी करना चाहते हैं जिसमें ये लोग 6 लोग बैठाते हैं, तो पर जिप्सी 5500 रुपये चार्ज करते हैं। वैसे वहाँ पे कैंटर भी चलता है, एक कैंटर में लोग 18 लोग को बैठाते हैं और पर पर्सन 1000 चार्ज करते हैं। वैसे भी अगर आपको फुल डिटेल क्या कितना एक्सपेंस कहाँ स्टे करें, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका एक ब्लॉग भी बना के लाऊंगा अपने दूसरे चैनल पे, जी हाँ, जायका इंडिया का विथ ऋषि पे। बाकी अगर आप इधर आओ ना, ये कह सकते हैं इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। यह रेलवे स्टेशन आता है महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो चंद्रपुर यहाँ से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और बलहर्षा अपने पेपर प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। ये अमन भाई है, पीटर ब्लॉग्स के हमारे आनंद भाई, अमन भाई है ना, इसी में ट्रैवल कर रहे हैं यशवंतपुर से। अच्छा, तो आप तो ट्रेन जर्नी करते हो ना। अरे भाई, मिले थे हमें डेक एंड क्वीन में, है ना। चले भाई से मिलके अच्छा लगा, जर्नी और मज़ेदार हो गई है ना। वो जो सामने आप लाइन देख रहे हो, वो लाइन निकल चुकी है नागभीर, इसलिए बलहर्षा को बलहर्षा जंक्शन भी कहते हैं। सेवाग्राम जंक्शन, वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र। मीडियम रफ्तार से
सेवाग्राम जंक्शन को स्किप कर रही है हमारी ट्रेन। बता दूँ साबरमती आश्रम के बाद सेवाग्राम आश्रम दूसरा आश्रम था जहाँ पे गांधी जी ने अपने जीवन के आखिरी पल बिताए थे। सेवाग्राम का पुराना नाम शेवगांव था। गांधी जी के आश्रम के नाम से शहर का नाम रखा गया सेवाग्राम। सेवाग्राम से निकलने के बाद ना आपको स्नैक्स सर्व हो जाएगा। देखिए क्या क्या मिला है। इसमें समोसा है भाई, गर्म पानी लेकर जा रहे हैं, टी किट मिल जाएगा चाय बनाने के लिए। बाकी ये देख लो क्या है भाई, हिंग जीरा चना है ना। इसमें है सोन पापड़ी और इसमें क्या है भाई, ये है फटाफट भेल है ना। बनाने की जरूरत नहीं है, भेल आराम से फाड़िए खाइए। तो कुछ इस तरह का मिला है। फिलहाल मैं स्नैक्स को बाद में ट्राई करेंगे है ना, चाय बनाते हैं। और नागपुर में ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है। भाई साहब सामने देख रहे हैं नागपुर पुणे गरीब रथ, इसको इसकी जर्नी भी हुई की थी मैंने अप्रॉक्स 2-3 महीना पहले। बहुत अच्छी ट्रेन है नागपुर से पुणे के बीच। अगर आपने देखा नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देखिएगा जरूर। और फिलहाल ट्रेन हमारी नागपुर जंक्शन इंटर कर चुकी है। अब बाकी यार रेलवे स्टेशन पर जो ब्रिज देखे हो सामने, जो ब्रिज है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और खासकर रात के समय।
एक नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाई जा रही है हमारी यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिला दुरंतो एक्सप्रेस में। आ गई तो भाई साहब यहाँ पे आपको देखिए सामने कमसम मिल जाएगा, फुट ट्रैक है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आप भीड़ देखिए। और ये इस ट्रेन की भीड़ नहीं है, इसके पीछे कोई ट्रेन आ रही होगी उसके ये पैसेंजर्स खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कोई टिकट बुक नहीं होता है इस ट्रेन में। आई नहीं है ना अभी। ट्रेन नंबर 20973 अजमेर रामेश्वरम हमसफर एक्सप्रेस लगाई जा रही है। लोको देख लो भाई WAP4 के साथ आई है। फिलहाल बता दूँ ये ट्रेन है ना रामेश्वरम नहीं जाएगी, मंडपक में जाके टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि पंबन ब्रिज में कुछ महीनों से काम चल रहा है। आ जाओ और टहलते हैं, चलते हैं पैंट्री कार में। मैनेजर साहब है वो हम दोनों भाई को जानते हैं, फिर हमने दोनों को इन्वाइट किया गया है चाय के लिए, चलिए गरमा में हम चाय वहाँ इन्जॉय करते हैं। क्या भाई राइट नाउ इट्स 7:57 PM और दिया जाएगा डिनर। डिनर में लिया मैंने प्योर वेज, पनीर की सब्जी है और इसमें कुछ शिमला मिर्च भी दिख रहा है, दाल, राइस, दो गर्मा गर्म पराठे गर्म है और कर्ड एंड पिकल। बाकी जो सब्जी की बात करें ना, पनीर खाने में तो लग रहा है फ्रेश है और टेस्टी है और नॉर्थ वाला टेस्ट खाने में आ रहा है। भाई साहब 10 दिन से साउथ में था, वहाँ सांभर रसम खा के मन खट्टा खट्टा हो गया था। बाकी जो दाल है ना, दाल भी गाड़ी है। अप्रॉक्स रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग स्किप कर रहे हैं इटारसी जंक्शन को।
एक्चुअली फिलहाल ट्रेन का टाइम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे रात के 10 बजे, मिलते हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पास और ट्रेन हमारी भोपाल को स्किप करती है। तो फाइनली ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है, जी हाँ, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। यहाँ पे टाइम था ट्रेन का रात के 10:02 पे, बट 10 मिनट डिले से आई है। फिलहाल कोई ट्रेन खड़ी है सामने वाली प्लेटफॉर्म पे। भाई साहब अंधेरा है, आप लोग का आइडिया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कौन सी ट्रेन है। रानी कमलापति निजामुद्दीन। चलिए फिलहाल प्लेटफॉर्म इस साइड में है, प्लेटफॉर्म देख सकते हो, प्लेटफॉर्म कितना नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, आधे घंटे डिले से आई है रानी कमलापति। बाकी अब यहाँ से खुलने के बाद ट्रेन सीधा रुकेगी रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अब वो अप्रॉक्स रात के डेढ़ या दो बजे आएगा। उस समय मैं रहूँगा गहरी नींद में। और जहाँ तक डिनर की बात करें, ट्रेन में जो डिनर सर्व हुआ था अच्छा था, जैसा लंच था वैसा डिनर भी था। बट हाँ, डेजर्ट में मैंने सोचा ना गुलाब जामुन या रसगुल्ला दे देते, लेकिन भाई वही चीज़ रिपीट की, लेकिन वो ना देखे उन्होंने आइसक्रीम ही दिया जो उन्होंने दोपहर लंच में दिया था। फिलहाल खाना पीना सही था, है ना। बाकी भाई देखो अभी भी टी शर्ट में घूम रहा है ये, अब इस जैकेट वैकेट पहन लो, सर्दी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से ठंड बढ़ती जाएगी, है ना। अभी देख लो, अभी इस ड्रेस में है ना, सुबह मिलवाऊंगा दिल्ली में किस ड्रेस में रहेगा देखना। तो फिलहाल चलते हैं अपनी कोच में। तो फिलहाल हॉन्किंग का आवाज़ आपने सुना ही होगा, सिग्नल हो चुका है, ट्रेन हमारी रवाना होगी। भोपाल लगा हुआ है, बहुत ही धीमी रफ्तार में हम लोग स्किप कर रहे हैं भोपाल को। और ये प्लेटफॉर्म पे भीड़ देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये भोपाल एक्सप्रेस जो पीछे खड़ी है, जो फाइनली भोपाल को भी हमने स्किप कर दिया है। रात पे अप्रॉक्स 1:30-2 बजे आएगा झांसी, तो पॉसिबल नहीं है ना। ठंड, वैसे ही ठंड भी बहुत है, अगर नींद टूटा तो ज़रूर मिलेंगे झांसी, अदरवाइज जहाँ सुबह नींद टूटे वहाँ से ब्लॉग हो जाएगा शुरू। तब तक के लिए गुड नाइट, भाई को भाई से भी लेते हैं गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। और हम लोग फिलहाल हैं ओखला के पास और कुछ पल में होंगे हम लोग पुरानी दिल्ली। उसके पहले हम लोग स्किप करेंगे निजामुद्दीन और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को। भाई साहब चल भाई, बाय, सी यू अगेन। और फिलहाल ओखला एक मिनट के लिए रुकी थी, है ना, सिग्नल नहीं होगा, फिलहाल ट्रेन रवाना हो चुकी है। चलिए देखते निजामुद्दीन। और जी हाँ,
इंडिया की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को हमारी ट्रेन स्किप करती है। ट्रेन नहीं, भोकाल है पूरा। भोकाल है। सही बात है। और एक चीज़ और बता दूँ, बैंगलोर से दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन है, राजधानी है ना, राजधानी से भी कम समय लेती है, अप्रॉक्स 31 आवर्स ये लेती है हमारी दुरंतो, और राजधानी लेती है अप्रॉक्स 33 आवर्स है ना। और बाकी जहाँ तक खाने पीने का बात है, आपने देखा ही है ना, पार्ट वन देखा, पार्ट टू देखा, जो जो हम लोग को यहाँ पे खाना सर्व हुआ था सब टेस्टी और मतलब क्वालिटी वाला खाना था है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जहाँ तक साफ़ सफाई की बात करें तो वॉशरूम भी हमें नीट एंड क्लीन मिला, बंदे लोग एक्टिव थे। और फिलहाल यहाँ पे फिलहाल मैंने सोचा दिल्ली में बहुत ठंड होगा, लेकिन उतना ठंड है नहीं। किया है निजामुद्दीन को, और आपने देखा था जो रेड वाली एलएचबी कोच वाली खड़ी थी, कर्नाटका संपर्क क्रांति, और ठीक हमारे बगल में खड़ी थी गतिमान। ये रही नई तो जी, यहाँ पे मुलाकात हो रही है स्वर्ण जयंती राजधानी। जस्ट लगता है अहमदाबाद, ये अहमदाबाद से आई है स्वर्ण जयंती राजधानी। लोची फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली। होप अपनी जर्नी पार्ट वन और पार्ट टू दोनों एंजॉय किया होगा। अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देखिएगा, तो आप खुद को इस जर्नी से अच्छा से कनेक्ट कर पाएंगे। के मामले में भी हम सब है ना, खाना पीना तो आपको दिखाया ही, और साफ़ सफाई कैसा था वो भी आपने देखा ही। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार धमाकेदार जर्नी के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।